बहुत साल पहले की बात है, एक लंबे कान वाली चुड़ैल गांव के पास के जंगल में घूमा करती थी। वह चुड़ैल गांव में प्रवेश नहीं कर सकती थी क्योंकि किसी बाबा ने उसे श्राप दिया था कि जब तक गांव का कोई आदमी उसे अपनी मर्जी से गांव के अंदर नहीं ले जाता, वो गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए वह चुड़ैल गांव के बाहर ही घूमा करती थी। ढोलकपुर नाम का छोटा सा गांव था। गांव भले ही छोटा था लेकिन दिखने में बहुत सुंदर था। गांव के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। पूरा गांव बहुत ही खुशहाल था। पूरे साल गांव में हरियाली छाई हुई रहती थी क्योंकि वहां की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी। इसलिए गांव के अधिकांश लोग खेतीबाड़ी का काम ही किया करते थे। गांव में जिन लोगों के पास खेती नहीं थी, वे लोग अनाज को एक गांव से दूसरे गांव ले जाने का काम किया करते थे। उस गांव में किशोर नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही लालची और कामचोर था। हमेशा सोता ही रहता था, कोई काम धंधा नहीं करता था। किशोर को मेहनत मजदूरी करना पसंद नहीं था। उसे सब चीजें आसान तरीके से चाहिए थी, इसलिए उसकी स्थिति बदली नहीं थी। एक बार किशोर जंगल के रास्ते से अपने घर वापस लौट रहा था, तभी जंगल में उसका सामना चुड़ैल से हुआ। अपने सामने चुड़ैल को देखकर किशोर बहुत डर गया। चुड़ैल जंगल में? आज तो मुझे ये खा ही जाएगी। हा, बहुत दिनों से इंसानी मांस नहीं खाया। जंगल में जानवरों को खा खा के पागल ही हो गई थी। आज तेरा मांस खाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए चुड़ैल बहन, आप मेरे साथ गांव में चलिए, जिसको खाना है खा लेना, बस मुझे छोड़ दो। मूर्ख इंसान, अगर मैं गांव में आ सकती तो अब तक कब की आ चुकी होती। यहाँ जानवरों को खाकर अपना पेट नहीं भरती। मुझे श्राप है कि मैं किसी गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। चुड़ैल की बात सुनकर किशोर को एक उपाय सूझा। अगर ऐसी बात है तो मुझे खाने से बस आपकी आज की भूख मिटेगी, आगे का क्या होगा? आज तो तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूं, आगे और कोई तेरे जैसा आ जाएगा। नहीं, गांव का कोई भी आदमी जंगल के रास्ते से नहीं आता जाता, ये तो जल्दी जाने के चक्कर में मैं यहाँ आ फंसा, लेकिन मेरे पास एक उपाय है तुम्हारी इस समस्या का। क्या उपाय है? जल्दी बता। चुड़ैल बहन, मुझे छोड़ दो, इसके बदले मैं आपको रोज एक इंसान लाकर दूंगा। किशोर की बात सुनकर चुड़ैल खुश हुई। क्या ऐसा हो सकता है? अगर तूने ऐसा किया तो मैं रोज तुझे धन का एक कलश भी दूंगी। लेकिन अगर तू मुझसे अपनी जान बचाकर भागने के लिए झूठ बोल रहा है तो तेरी मृत्यु पक्की है। धन के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा, मेरा विश्वास करो। चुड़ैल किशोर की बात मान लेती है और उसे छोड़ देती है। किशोर अपने गांव में आ जाता है। किशोर अब बहुत खुश था। रोज उसे बिना मेहनत किए धन मिलने वाला था। कैसे मिलेगा, इस बात से उसे कोई मतलब नहीं था। अब किशोर घर पर बैठे बैठे लोगों को अपने जाल में फंसाने के उपाय सोचने लगा। अगली सुबह एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। तब किशोर उसके पास आया और उससे बोला, कैसी तबीयत है चाचा आपकी, सब खैरियत से? हाँ बेटा, सब ठीक है। चाचा, आप चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से लाते हो? बेटा, गांव के आसपास से लाता हूँ, आजकल तो लकड़ियाँ मिलती ही नहीं है, मुश्किल से थोड़ी बहुत मिल पाती है। चाचा, कल मैं जंगल के रास्ते से घर आ रहा था, तभी मुझे वहां पर रास्ते में बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मिली, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। किशोर के इतना कहने पर लकड़हारा राजी हो गया और कुल्हाड़ी लेकर किशोर के पीछे पीछे जाने लगा। किशोर लकड़हारे को जंगल के बहुत अंदर तक ले आता है। लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किशोर उसे कहाँ ले जा रहा है। और ऐसे ही चलते चलते किशोर लकड़हारे को चुड़ैल के पास ले आया और चुड़ैल से बोला, ये देखिए चुड़ैल बहन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं रोज आपके लिए एक शिकार लेकर आऊंगा, आज का शिकार ले आया हूँ,
अब आप भी मुझे धन का एक कलश दे दीजिए। तो तूने मुझसे झूठ बोला ताकि चुड़ैल के हाथों मुझे मरवा सके। हाँ सही कहा चाचा, यदि मैं आपको यहाँ पर नहीं लाता तो ये चुड़ैल मुझे मार देती और मुझे धन भी नहीं मिलता। हा। अरे वाह, जो तूने कहा था वो कर दिखाया और एक इंसान को मेरे पास ले आया। आज तो मजा आ जाएगा, बहुत दिनों बाद इंसानी मांस खाने को मिलेगा। और फिर चुड़ैल अपने जादू से सोने से भरा हुआ एक कलश प्रकट करती है और वो कलश किशोर को दे देती है। सोने से भरा हुआ कलश पाकर किशोर बहुत खुश था, वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है। अब किशोर रोज ऐसा ही करने लगा, वो रोज किसी ना किसी गांव वाले को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाता और उसे चुड़ैल के हवाले कर देता, और बदले में चुड़ैल रोज उसे सोने का एक कलश देती जिसे पाकर किशोर बहुत खुश होता। और यहाँ पर चुड़ैल भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे बैठे बिठाए रोज इंसान का मांस खाने को मिल रहा था। अब किशोर के पास बहुत सारा धन जमा होता जा रहा था, उसने गांव में एक बड़ा सा मकान बना लिया। तो दूसरी तरफ गांव वालों के गायब होने की बात पूरे गांव में फैल गई। सरपंच जी, मुझे तो इस किशोर के ऊपर शक हो रहा है, आप तो जानते ही है वो कितना कामचोर है, फिर भी वो बैठे बिठाए वो भी इतने जल्दी धनवान कैसे बन गया? जरूर उसने ही कुछ गड़बड़ की है। तुम लोग उस पर नजर रखो, वो कहाँ जाता है क्या करता है, बाकी सब मैं देख लूंगा। अगले दिन जैसे ही किशोर गांव से बाहर निकला तो रमेश, रामू और बिरजू उसका पीछा करने लगे। किशोर रोज की तरह एक आदमी को लेकर चुड़ैल के पास जाने लगा। किशोर का पीछा करते करते वे तीनों भी जंगल तक पहुंच गए। जंगल में जाकर उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां का नजारा देखकर उन्हें सब समझ में आ गया। तीनों ने गांव में आकर सारी बात सरपंच जी को बताई। सरपंच जी, अब आप भी कुछ कीजिए, नहीं तो एक एक करके हम सब मारे जाएंगे उस चुड़ैल के हाथों। पूरे गांव में यह बात फैला दो कि किशोर के साथ कोई भी गांव वाला ना जाए, ये किशोर ही है जो गांव वालों को एक एक करके चुड़ैल के हाथों मरवा रहा है, और उसे उठाकर गांव से बाहर फेंक दो, चुड़ैल उसे खा जाएगी और उसके पापों का फल उसे मिल जाएगा। गांव वाले ऐसा ही करते हैं, वो किशोर को गांव से बाहर निकाल देते हैं। अब चुड़ैल को कोई और शिकार न मिलने की वजह से वो किशोर को ही मार देती है। इस तरह से किशोर को उसके पापों का फल मिल जाता है और अब गांव का कोई भी आदमी वहां से नहीं जाता। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।